बाल बच्चा लोग काहे पैदा करेलन अपने अंतिम समय के लिए, कि हमरे रहले ना रहले पर भी हमार लइका हमार परवस्ती कह दीगा और जिंदगी यहाँ अइले क कुछ मकसद निकल जाई। हितनाथ शमशान तक बेटा पिंडा दान तक तो जननी की महिमा जगत में निराली, तो ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ पिता है। सुवन के जन्म से ले अपने मरण तक ललन के जतन में ही जीवन बिता है। सुनिए सुनाती हूँ अनमोल गाथा, पिता पुत्र की ये अद्भुत कहानी। मरी जा रही आज इतनी मानवता, मरी जा रखी आज इतनी मानवता, सिया राम आंखों में है सबके पानी। आज मानवता कहाँ जा रही, इंसानियत कहाँ जा रही है। विराम में बड़ा सुंदर गीत गजल आ जा। मुझे तेरी मुहब्बती का सहारा मिल गया, मुझे तेरी मुहब्बती का सहारा मिल गया, मुझे तेरी का लिखल गई। यहां कब क्या, ध्यान दिया ने लाइन पर, ऐसा लाइन कभी का कलम कबो कबो लिखेल लिखेलन। यहां कब क्या तैयारी में, यहां कब क्या हो जाएगा, कहा कुछ जा नहीं सकता। यहाँ कब क्या हो जाएगा, यहाँ कब क्या हो जाएगा, कहा कुछ जा नहीं सकता रे, कहा कुछ जा नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, खता जो है किया बेटा, भुलाया जा नहीं सकता। खता जो है किया बेटा, भुलाया नहीं सकता। कहानी शुरू हो गई हमारी साथियों, हर घर
की बताती हूँ ये बीमारी साथियों, क्या बात है, बिरहा नहीं संदेश है ये ध्यान से सुने, अपने ही ऊपर लेकर अनुमान से सुने। कर्नल थे लखनऊ के सूरज भान निराले, बाबूजी हमरे बिरहा के सुनवैया लोग हाथ जोड़ के निवेदन बा, एके बिरहा मत समझे को भूल करया, इनी तू राज बिरहा ना गावती अपने समाज खातिर एक संदेश देवे चलत है। बिरहा सब गाले लेकिन संदेश देना बड़ी बात होती है। संदेश कहा ध्यान देवे वाली बात है, यही उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, लखनऊ में सूरज भान कर्नल दुई बेटवा विशाल और अमन, दो बेटे पत्नी तारामती, पत्नी तारामती कर्नल सूरज भान, दो बच्चे अमन और विशाल के साथ बड़ा खुशी चैन और अमन से जिंदगी बितावत हुआ। दोनों लड़कन के कर्नल साहब बड़ी बढ़िया शिक्षा दीक्षा तालीम देत हुआ, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा कर्नल साहब अपने दोनों लड़कन के पढ़ावत हुआ लिखावत हुआ। दोनों लड़कवा कर्नल साहब का पढ़े में बड़ा तेज, बहुत तेज निकल गए पढ़े में, पढ़त पढ़त कहाँ पहुँचल हुआ मास्टर, बिरहा में एक लाइन गीत लगल है, बड़ी करुण कहानी है, बड़ी दर्दनाक है। रेलगड़िया चलावे ला बलमुआ, रेलगड़िया चलावे ला बलमुआ, देखे ला ना बिलाल झंडी, बाबू सजावे ला सपना वाला ला नवा हमार कुछ बनी है, सुमनवा हो करी हसुमनवा, अरे जानी जाई सगरी जहनवा, अरे जानी जाई सगरी जहनवा, ला 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 पढ़ लिख करके न की आवारा गर्दी करे, क्यों सोची नहीं हमार लड़का आवारा हो जाए ना, हे भगवान हमार लड़का फालतू हो जाए,
सब कही है काली माई डी बाबा भगवती माई हमार लड़का पढ़ लिख के डीएम बन जा, बड़का अधिकारी बन जा। आज कर्नल सूरजभान सोच रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। क्या गलत सोचा था हुआ तब कहे के पड़ल। मेहनत रंग लाती गए बाबूजी दिनेश केकर कर्नल साहब को। सूरजभान कर्नल का मेहनत रंग लिया इन भयल का सुना। जब दोनों लड़का जाप पाए गिला तो पास पड़ोस गांव समाज हित नात रिश्ते का सोचे ला का? अरे भैया अरे भैया अरे भैया फलाना का लड़का हो देखा हो अमेरिका में नौकरी पौले हूँ। तब विराह में बड़ी पुरान एक लाइन गीत लगल मास्टर उस्ताद वाली हो उस्ताद लोग गाँव के हमारे गुरु विश्वनाथ यादव के मुहे आप लोग गीत के सुन ले उनकर बड़ी मजल गीत रहल। कोई तरह सूरज भान कर्नल के दरवाजे पर महिला फेल मार आदमी के रेला रेली चलल बा छपले। अब इन 50-100 जाने बैठल हुआ खाए उठना ना तले लाइन लगल बा खाए वालन का बा। तबले 150 आदमी के पांच उठत तले फिर 250 तैयार बा। अब वही में तबले चट्ठे अगुआ अपन गट्टा भाजे लगल यार वार यार वार। कहिया होई?
अब शादी बदे अगुआ भी दौड़े लगल कि अब यही लगले शादी के दिन भी दैला बड़ी नीक दूठ है बिरादर के लैकी एकदम रोकले अला तोहरे लैकन बदे अगुआ कला या कर्नल साहब दोनों लैका ब्याह करल की बिरादर में बड़ी नीक सुघर सुघर देवा लेवा वाली हाय 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 एक नंबर कमाल बिली ब्याह कैला आखिरकार कर्नल साहब के दोनों लड़का विशाल और अमन का शादी संग में दोनों लड़का के एक मारे भाते हो गई हो गई आ जब ब्याह दोनों लड़कन के एक मारे भाते हो गयल दुल्हन आइल अरे बाप रे बाप कर्नल साहब का मेहरारू तारा मती अपने पतोहिन के चचर भरे का हार देती मुंह देखाई में कर्नल साहब कहना दूध भरे में दूनहुन के सल्टा दा चार भरे में कली नाही अमेरिका हमार दोनों बेटवा कमात हुआ कवन पैसा का कमी बा चचर भरे का हार बनवोलिन दोनों पतोहिन के खाली मुंह देखाई दे देनी बा ए भैया हो वो खुशी होले माई के की पतो उतार थीला जब ही लोग एक डेढ़ महीना का दिन बितौला शादी ब्याह घरे भैले के बाद दुल्हन के साथ जाए लगलन तब माई बाऊ दोनों जाने कल ए भैया जात हुआ था साल भर पे बाकी दो साल पे बा विदेश अमेरिका से भाई मेहरारू यहाँ कहाँ करी तोहार कलन की तब कल एक काम कराई मेहरारून के अपने लिए ले जा दोनों जाने लिए ले जा अरे यहाँ तो हुआ ना कि चार छह महीना पे आजीबा विदेश जात हुआ तो दो साल पे बा कि तीन साल पे बा ये लोग के अगोरी के अपन अपन खजाना लेके निकला के अगोरी तो लोग का खजाना ए भैया तनी बात के समझ ला दोनों बेटवा जब कर्नल साहब सूरज भान का जाल पासपोर्ट जोन रहल बने के बन गल आखिरकार दोनों में हारू लेके अपन लड़का जाए लगलन समय बीतल कहां समय पहुंचल बिरहा में तर्ज लगल मा बैठ जा अरे का पागल आ गइलु ना मोरी आईया का बौरा गइलु हो आप लोग सुन ले उस्ताद लोग यही गीत के हमरे गुरु विश्वनाथ यादव जी गावत रहलन कहलन कौनो मेहरारू सुहाग रात के सेज पर तीन बीता का गुगुट काट के दूल्हवा का इंतजार करत रहे राजा हमारा ही है भैया राजा हमारा ही है घूंघट उठाई है तबले तो दूल्हवा गेरो से 100 ग्राम मार के अइबे कहल 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम में का जनाई हो केरो से आयल 100-200 ग्राम मार के फेंकू केरो से दुलावा आयल 100-200 ग्राम मेहरारू के लगे जब पहुंचल पहली रात बड़ी खतरनाक होले अरे मर्डर करात होले हो पहुंचल मेहरारू के लगे घूंघट उठौलस मेहरारू का जब मुंह देखलस मुंह देखलस फेंकू मेहरारू का तब मरत पानी पानी हो गया का होगा अरे अरे हे भैया मेहरारुआ से मर्दा कलस की का डीजल पियाबू की पानी कै तक पढ़ले हो तब मेरा रुआ संकोचाए लगल वन रोटी टूकल झुलदाल ए भैया मेरा रू से कॉलेज कैले पढ़ले हो तो मेरे रुआ शरमाए लगल लजाए लगल पहली रात बा कैसे बतावे मर्दा कलस की कैले पढ़ले हई मेरा रुआ धीरे से अपन हाथ निकरबे कैलस कवन चिमेले हाथ निकलस निकाल के कलस इधर हाथ निकाल के जब अंगूठवा देखौलस मेररुआ तो मर्दा मेररुआ कलस की कैसन उछड़त है हुआ अब का उछड़त है हुआ देखौता तो और टावर धोए बोल गए धुआं फेंक दला और गैस बना अब ना चिल्लाइबा तो और टावर बोल गए मर्दा कलस के है तब दुल्हनिया कहले का कहले सवा अरे कैसे कसपरी ना ये बल्ला मजी कैसे कसपरी हो अरे कैसे कसपरी
राजा शहरी, हम तो पानी देहाती राजा शहरी, राजा कैसे सफरी हो, हम तो पानी देहाती राजा शहरी। जब तू लेकिन इतना बात कलस कैसे सफरी हो, हम तो उठा छापई तू शहरी हाई फाई वीआईपी हुआ, कैसे मार तो से बीती मर्दा बड़ा छलाक रहा कलस की है। बाऊ ब्याह करा दिले हुआ, अब तो इज्जत मान सम्मान बाऊ कर रख ही के हतो के हम रखब घबड़ो मत। का जवाब दिल दूल्हा, अरे चालू हो जाइबू ना रनिया, चालू हो जाइबू। साल बीत गए ना अलन, तनि ध्यान दिया, कहानी बड़ी सीरियस बा। भयल का साल के दिन बीत गल, यार कर्नल सूरज भान के दोनों लड़का मेहरारू लेके गईलन, दोनों लड़का एक एक लड़का के बाप भी बन गईलन, लेकिन इंडिया भी ना अलन। माँ तो माँ होती है साहब, बहुत कपूत हो जालन, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है, इतिहास गवाह है। आज माई अपनी बेटवा की याद करत बा कि हे कर्नल साहब, सात आठ साल का दिन बीत गल, दोनों बेटुआ हमार अलन लागी एको चक्कर, दोनों के एक खेलैका भी मालिक दे दिले हुआ, न बहन मुँह ना देखली अपने पोता का। आई हो बाबू बिरहा में गीत बदल गई भैल का, आखिरी गीत बिरहा का हमारे कौनो दुल्हन का दुल्हा कमाई जा लगल, दुल्हन द्वार छेक के खड़ी होके कहले का कहले है मास्टर, रोई मरब ए राजा, अरे डूबी मरब ए करे जा, जई बाजो पूर्व के दिशामा, लिखल गई, लिखल गई
बेटवा ना आवत हुआ 10 साल हो गए बेटवन के देखले माई बीमार हो गई कहलिन कर्नल साहब की बोला था एक नजर अपने बेटवा के देख ले आ तरसत बा बेटवा के देखे बदे फोन कहिला कर्नल साहब की ए विशाल ए अमन तोर माई बीमार है रे आई के अपने माई के देख ले चिंता के लिए तो नहन का एक नजर आई के मिल ले उसे काजनी ठीक हो जाए बोल रहा है विशाल ठीक है पापा जल्दी आऊंगा छुट्टी ले रहा हूँ अप्लाई कर दिया हूँ जल्दी आ रहा हूँ आप चिंता मत करिए अमन से कलन अमन विशाल से कलन विशाल अमन से कहत हुआ लेकिन दोनों लड़का आवत ना हुआ तब का भेल मास्टर अरे मरी गई माई आके अरे मोहरी गई माई आके हॉस्पिटल में कर्नल साहब की पत्नी तारामती फोन कैलन ए बेटा माई बीमार हल तो ना आईला लेकिन अब तोर माई मर गईल हम मरते मरते हमसे कहलिन कि हमरे बेटवा के कान्हे पर हमार शमशान तक जाब आ बेटवन के हाथे हमरे चिता में आग लगवाया मरत मरत तोर माई बात कह देले बेटा तैयार जाए आखिरी जिम्मेदारी है पूरा कह दाए बाबू कौना दिन खातिन बेटवा लोग पैदा करलन तनी ध्यान दिया मैंने कहा ये बिरहा नहीं ये संदेश है नीतूराज का भेल मास्टर तनी लाता रोवे सूरज भान आनो मान नाही आ भैया हाथ ला करे जा देखी के बेटा बन के रूप के हो बेटा आखिरी
इच्छा अपने माई का पूरा कर दे फिर तो नने से कौनो जिंदगी में कौनो अढ़ौनी न कह। रो करके सूरज भान अपने बेटे अमन और विशाल को अमेरिका में फोन करते हैं। हुआ क्या मास्टर तेरी लगावा? अरे रतनवा माई लाल के करत, अरे पंचो रतनवा माई लाल के करत, पचवा के वियोग में तज दिहली पारनवा। चला गए विशाल अमेरिका से अपने भारत के लिए। तब का भाव कभी जी लिखते है पहपट में का लाश। बाबू सूरज भान कर्नल बोल पड़लन कि ए बेटा मेरा दूसरा बेटा अमन कहाँ है? ए बाबू कहलन कि बेटा हमार दूसर का लड़का अमन कहाँ है? आ तुहार मेहरारू तुहार बाल बच्चा अमन का बाल बच्चा सब ना लौकत है, अकेला तो ही लौकत हुआ भैया। बोल पड़ा विशाल कर्नल साहब का छोटा बेटा, पापा भैया नहीं आए हैं, वहाँ बहुत काम है नहीं आए हैं, भैया को छुट्टी नहीं मिली है, पत्नी भी नहीं आ पाई मेरी, ना उनकी पत्नी आ पाई, बच्चे भी नहीं आ पाए। पापा मैं आया हूँ ना, माँ के अंतिम क्रियाक्रम में मैं आया हूँ और पूरा करके ही जाऊंगा। लेकिन कर्नल साहब छाती पर हाथ रख ले बा, सीने पर हाथ, दिल अगर पत्थर को होई तब वो धड़क जाई, तनी ये बात के सुन ला। कलन की ठीक है बेटा, कुछ कहा है तुम जब आने लगे तो मेरा बेटा अमन कुछ कहा? डरते डरते विशाल कर्नल साहब का छोटा बेटा कहा कि पापा छोड़िए मैं आया हूँ। डांट दिए कर्नल साहब, बोल बात क्या है? साफ साफ शब्दों में बताया आखिर क्यों नहीं आया मेरा बेटा अमन, अब कौन सी घड़ी आएगी कि वो आएगा? डरते डरते विशाल कहा कि पापा भैया ने कहा है माँ मरी है तुम चले जाओ और जब पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कहाँ जा रहा है संस्कार? हे बाबू क्या इसी दिन के लिए बेटे को लोग पैदा करते? क्या यही दिन देखना बाकी था? कर्नल साहब के सुनले के देरी रल मालूम पड़ल कि पैर तले से जमीन खसक गईल, बज्जर गिर गयल छाती पर, वही तारामती के लसिया पर कर्नल सूरज भान गिरलन हो बाबू, और रो करके वही अपने पत्नी के लाश से बड़ी ऊंची बात कहत हुए। लाइन पर तनी गौर करिए, आल्हा का लाइन है मास्टर। अरे लासी के सूरतिया देखी के
सारी बात कहत हुन अपने दुल्हिन तारामती से हाय 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 जौने पतोहिन के चचर भरे का हार बनवा के मुंह दिखाई में देलू ए रानी आज हो तुहारे को पतो तोरे आगे पीछे ना लौकत है जौने बेटवा के रजगज से ब्याह कइलू आज वो बेटवा के टाइम ना जौने अमनवा खातिर अपन चैन अमन त्याग देहलू आज वही अमनवा के टाइम ना तोरे अंतिम संस्कार खातिर जौने पोता खातिर इतना मनौती मनलू कहाँ कहाँ ईटा पाथर पूजलू हो रानी वही पोता का मुंह ना देखे पौलू हो रानी ए भैया हो सारी बात कह के कर्नल साहब उठते है उठ के गईलन घरवा में दरवाजा अंदर से कुंडी लगा देहलन अंदर से कुंडी लगा करके इतना बड़ा चिट्ठी लिखलन और लिख करके लेटर अपने ही रिवाल्वर को निकालते हैं कर्नल साहब और निकाल करके रिवाल्वर कहलन का मास्टर बिरहा का आखिरी लाइन है
तलवार कर्नल साहब थाड़ 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 दो तीन गोली अपने कनपट्टी पर चला लेते हैं। लिख ले कहा हुए मास्टर मन व्यस्त राहत कराना या काज हो तारा साथ चीता हमारो जली जई है आज हो तोहके हमरे खातिर भारत में फिर नया वही के पड़ी अपने कान पट्टी पर गोलियां चलो ना वही हमन व्यस्त हो तुम्हें हमारे लिए टाइम नहीं है तो एक काम करो तुम्हें फिर से भारत आने की जरूरत नहीं है। चिट्ठी लिखत हुन कि यही तारा के साथ हमरो लाश जर जाए के चाहिए भैया और का लिखत हुन अब सारा धन गरीब भवन में कई दहले दान हो सारा धन गरीब भवन के दिहले आज हो कहला हमरे बेटवन से गंदा भयल समाज हो माफी मांगा ताड़ी सबका से अरे पौवा के धरी अपने कनपट्टी पर गोलियां चलो लो वही कर्नल साहब मैंने दो नालायक बेटा अपने समाज को दे दिया जिंदगी भर सेवा कैली फौज में रह करके देश सेवा कैली लेकिन हमें ना पता लगी यही अपने समाज अपने देश खातिर दूठे नालायक औलाद दे के जाती ला जिससे मेरा समाज दूषित होगा गलत संदेश जाएगा मेरे बेटों के द्वारा समाज में। मैं क्षमा चाहता हूँ अपने समाज के लोगों से कि मैंने दो नालायक औलाद समाज में दे दिया। सारा धन गरीबों को दान करते हैं कि मेरी एक एक संपत्ति का एक एक फूटी पाई भी मेरे बेटों को नहीं मिलना चाहिए। सारा संपत्ति गरीबन में दान कर देना लिखत हुआ कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति गरीबों में दान कर दी जाए। और एक बात और मेरे मरने के बाद मेरे लाश का अंतिम संस्कार कौन करेगा बताओ थुवन तभी साले अपने माई का सजा दिया सपनवा हो हम के हमारे ड्राइवर से दिया है दिया अग्नि दनवा हो एको बेटी काहे ना दिहला पौवा के धरी अपने कनपट्टी पर गोलियां चला लो इच्छा थी कि मेरी लाश को मेरे बेटे श्मशान तक ले जाएंगे चिता में आग लगाएंगे। अरे विशाल अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करना खबरदार मेरी लाश को हाथ मत लगाना ये हक मैं छीनता हूँ तुझसे और ये हक मैं अपने ड्राइवर को देता हूँ मेरा ड्राइवर मेरी चिता में आग लगाएगा तुम मेरे बेटे नहीं हो तुमसे ये हक मैं छीन रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरी चिता में आग मेरे बेटे ने ही मेरा ड्राइवर लगाएगा और वही मालिक से विनती करत हूँ कि हे भगवान दूठे नालायक औलाद देहला एक ठे कास कोई कोखिया में बिटिया दे देले होता बेटी अगर होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कर्नल साहब का तो काश एक बेटी रही होती तो ए बाबू ए लिए दुनिया में कहे कि बड़ल एक बात बताई ला शिक्षा बहुत जरूरी है बाबू शिक्षा अपने बच्चे को खूब पढ़ाइए खूब लिखाइए तो जहाँ जितना जरूरी है बाबूजी शिक्षा उतना ही जरूरी है संस्कार। अपने कनपट्टी पर गोली चला करके
कर्नल साहब वही अपने प्राण को तज देते हैं। वाह वाह वाह, बिरहा हमार खत्म हुई। आखिरी में खानदान का परिचय आइए। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे भी नीच वतन में श्यामा सीता राम भरत जी विश्वनाथ के मन में रटनवा माई लाल के करत नीतू सिया राम का ऐसा होला धनवा।